डी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे क्या, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसमें कल आपने, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, और आज आप पढ़ोगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। ओके, क्या पढ़ना है आपको, क्या टॉपिक आपका है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। तो करना क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो रूल हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में लाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ठीक उल्टे नियम हमको इसे प्रयोग करना है, असर्टिव से वापस इंट्रोगेटिव में लाने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब हमें इंट्रोगेटिव से असर्टिव में लाना है, तो सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हमारा सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव। तो अब क्या होगा कि उल्टा नहीं प्रूव होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो आइए देखने का क्या है, ये आपका है रूल वन कि यदि सेंटेंस, आप जानते हो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही असर्टिव कहलाते हैं, तो यदि सेंटेंस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। क्या कह रहा है कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, उल्टा करेंगे। और एक बात और समझना कि भावों को जैसा हम बताने आपको जा रहे हैं, आप भावों को बहुत से समझना, क्योंकि अगर आप, मैंने पहले बताया कि इंटरमीडिएट में भावों का बहुत ज्यादा महत्व है, कि अगर भाव नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी। आप रट तो लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, लेकिन आप उसके वास्तविक सेंस को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है कि सिंधे में बताया ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। हम आपको कुछ एक्चुअल सेंटेंसेस के को लेकर के बताते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है क्या कि ए फैंट इज ए बिग एनिमल, लिखा है क्या कि एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर होता है। जरा सक्सेस को समझिए कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है, क्या हाथी बड़ा जानवर नहीं होता है? तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में लाएंगे तो हमारा सेंस एक समान रहता है, फिर समझिए हाथी एक बड़ा जानवर होता है। सेंटेंस आपका है कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है, तो इसको चाहे ऐसे कह ले कि हाथी बड़ा जानवर होता है, चाहे इसको ऐसे कह ले कि हाथी बड़ा जानवर नहीं होता है, तो दोनों का सेंस एक रहेगा, भाव एक रहेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या बनेगा कि इज एलिफेंट
नॉट ए बिग एनिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि आसानी से कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए, लिखा है क्या कि एयू प्लेन कैन फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस दिया हुआ है कि एरोप्लेन कैन फ्लाई इन द स्काई, हवाई जहाज आकाश में उड़ सकता है। स्टूडेंट्स क्या सेंटेंस आपका है कि एरोप्लेन आकाश में उड़ सकता है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या एरोप्लेन आकाश में नहीं उड़ सकता है, मतलब उड़ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या कहेंगे कि अगर हमारा असेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर हमारा असेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा कि कैन एरोप्लेन नॉट फ्लाई इन द स्काई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कि सेंटेंस अगर हमारा असेटिव सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं दूसरा रूल। यह आपका है रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड कह रहा है क्या कि अगर अगर हमारा असेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, अगर हमारा असेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उल्टा नियम है पहले वाले का कि देखते हैं क्या यदि सेंटेंस निगेटिव है तो, ये सेंटेंस निगेटिव है तो सेंटेंस केवल इंटरोगेटिव होगा। लिखा हुआ है यदि हमारा असेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो सेंटेंस केवल हमारा इंटरोगेटिव में होगा। सीख क्या रहे हैं असेटिव से आप इंटरोगेटिव में चेंज करना। आप देख लीजिए लिखा है क्या, एग्जांपल लिखा है कि ए माइन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। लिखा हुआ है ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन कि एक आदमी अपनी त्वचा को बदल नहीं सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी त्वचा को बदल नहीं सकता है, अर्थात अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाव आपका एक रहेगा। क्या एक आदमी की त्वचा को बदल सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी त्वचा को बदल नहीं सकता है, तो क्या एक आदमी अपनी त्वचा को बदल सकता है, अर्थात नहीं बदल सकता है। तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन ए मैन चेंज हिज स्किन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों के भाव जो है वो बिल्कुल एक समान है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल वन एग्जांपल टू, लिखा है क्या
लिखा है कि ए लायन कैन नॉट ईट ग्रास, कि एक शेर घास नहीं खा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि एक शेर घास नहीं खा सकता है, अर्थात क्या एक शेर घास खा सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक शेर घास नहीं खा सकता है। तो दोनों के सेंस एक समान रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन ए लायन ईट ग्रास, कैन ए लायन ईट ग्रास। तो सेंस क्या हो गया, दोनों वाक्यों के भाव जो है वो एक समान ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब हम आपको इसका तीसरा रूल बताते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो केवल इंट्रोगेटिव रहेगा। ये बात सभी सेंटेंस पर लागू होगी। आइए देखते हैं क्या ये तुम्हारा है, रूल नंबर 3 कह रहा है क्या, हु लिखा है क्या, नो वन या नन या नो बड़ी को हु में चेंज करना, कह रहा है क्या, नन नो वन या नो बड़ी को हु में चेंज करना। तो क्या हो जाएगा, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा तो आपका सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव में जाएगा। ऐसे मैंने बताया, लिखा है क्या एग्जांपल के लिए कि नो वन कैन बियर सच ए बिहेवियर, लिखा है क्या कि नो वन कैन बियर सच ए बिहेवियर, कि कोई आदमी ऐसा व्यवहार सहन नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा कि ऐसा व्यवहार कौन सहन कर सकता है, मतलब ऐसा व्यवहार कोई भी सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, नो वन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हु में, तो क्या हो जाएगा कि हु कैन बियर सच ए बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आपने देख रहे हैं क्या कि ऐसे और समय नोबन अगर आए, नन आए, नोबनी आए, तो उसको हम हु में लाते हैं और हु के बाद नन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब नोबन का प्रयोग होगा, नन का प्रयोग होगा, नोबनी का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में लगा है क्या, एक और सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर चाहो तो, लिखा है क्या, नो बड़ी नोज हिम, लिखा है क्या कि नो बड़ी नोज हिम, कोई उसे नहीं जानता है। तो क्या हो जाएगा, नो बड़ी को हम घूमे लाएंगे, कोई उसे नहीं जानता है, अथवा उसे कौन जानता है, तो कोई नहीं जानता है, सेंटेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिटिव में है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव बनाओ, हु नोज हिम, तो आपका सेंटेंस नो बड़ी जो है वो होने चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एक और नियम कि अगर नो वन की जगह पर, नन की जगह पर, या नोबडी की जगह पर एवरी वन या एवरीबडी का प्रयोग होता है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, तो हम
हु के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीबडी एवरीवन का प्रयोग अफर्मेटिव में होगा, और मैंने बताया कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, भाव कैसे समझ लेना, अगर आप भाव समझ जाओगे तो आप आसानी से चेंज कर लोगे। ये आपका है एग्जांपल नंबर फोर, ये आपका है रूल नंबर फोर का, कह रहा है कि एवरी वन या एवरी बडी को हु प्लस नॉट में चेंज कर देती है। कैसे चेंज करते हैं आई देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है क्या कि एवरी बडी लव्स हिज कंट्री। चिन्ह दिया हुआ है कि एवरी बडी लव्स कंट्री, कि हर कोई अपने देश को प्रेम करता है। तो इसका भाव तो अगर आप देख रहे हैं सेंटेंस में एवरीबॉडी का प्रयोग है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा, मतलब हु के सामने आपको नॉट का प्रयोग करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश को प्रेम करता है। तो कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता है, अर्थात एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश को प्रेम करता है, तो हमारा सेंस एक रहेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका किसमें है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रो सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा हू डज नॉट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा, तो हू के साथ ही डज नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हू डज नॉट लव हिज कंट्री। आप देख रहे स्टूडेंट्स कि अगर सेंटेंस हमारा एवरीबॉडी लगा हुआ है तो वो हू और प्लस नॉट हू के साथ में नॉट, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज होगा। और एक एग्जांपल हम और देखते हैं, लिखा है क्या जिसमें एवरीबॉडी का प्रयोग हो, लिखा है एवरी बॉडी एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। इसमें लिखा हुआ है क्या है कि एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है, तो क्या हो जाएगा एवरीबॉडी जो है वो हू और प्लस नॉट में चेंज हो जाएगा। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है, तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, मतलब हर कोई जानता है, तो क्या हो जाएगा कि हू यदि भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज नॉट नो महात्मा गांधी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या आपने देखा कि हमारा सेंटेंस एवरी वर्ब या एवरी वर्ब को हू प्लस नॉट में कैसे चेंज हुआ। ठीक है, चाहते हो फिर समझ लो, कह रहा है एवरीबॉडी लव्स कंट्री, हर कोई अपने देश को प्रेम करता है, तो सेंटेंस इसमें जाएगा हू प्लस नॉट में, तो एवरीबॉडी लव्स कंट्री, हर कोई अपने देश को प्रेम करता है, तो सेंटेंस क्या होगा हू प्लस नॉट लव्स कंट्री, कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता है, मतलब हर कोई करता है। ऐसे ही यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है कि एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है, तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो सेंटेंस क्या बना कि हू प्लस नॉट नो महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, इसके बाद आइए मैं आपको पांचवें रूल में लेकर चलता हूं। कह रहा है क्या कि वेन को नेवर वेन को नेवर में
चेंज करना लिखा है, तो सेंटेंस लिखा है क्या कि वेन को नेवर में चेंज करना, अगर वेन के साथ भी नॉट का वो नहीं है, मतलब अगर केवल वेन के रूप वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है अर्थात नॉट का वो नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो हमारा वेन जो है वो नेवर में चेंज होगा। आगे देखते लिखा है क्या, वेन कैन यू हेट योर मदर, ठीक है उल्टा हो गया, देखिएगा जरा देखो कि नेवर को वेन में चेंज करना है, नेवर को वेन में चेंज करना क्योंकि हम असेंटिव से इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं न कि इंट्रोगेटिव से असेंटिव पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है नेवर को वेन में चेंज करना कि अगर लिखा है हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, सेंटेंस दिया एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या कि यू कैन नेवर हेट योर मदर, तो नेवर को वेन में चेंज करना, तो जब वाक्य में नेवर का प्रयोग होगा तो वाक्य होगा आपका नेगेटिव, और मैंने बताया कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हमारा सेंटेंस जो है किसमें इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि यू कैन नेवर हेट योर मदर, आप अपनी माता से कभी घृणा नहीं कर सकते हो, आप अपनी माँ से कभी घृणा नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी माँ से कब घृणा कर सकते हो, मतलब आप अपनी माँ को कभी घृणा नहीं कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा कि वेन कैन यू हेट योर मदर, फिर दिया है क्या एग्जाम्पल अगला है कि ए माइजर नेवर लाइक्स टू स्पेंड हिज मनी, लिखा है क्या ए माइजर नेवर लाइक्स टू स्पेंड हिज मनी, कि एक कंजूस कभी भी अपने धन को खर्च करना नहीं चाहता है, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव में है और नेवर का प्रूफ है, तो क्या बनेगा आपका वेन का प्रूफ से बनेगा, तो क्या हो जाएगा कि एक कंजूस कभी भी अपने धन को खर्च करना नहीं चाहता है, तो एक कंजूस अपने धन को कब कब खर्च करना चाहता है, मतलब कभी भी खर्च करना नहीं चाहता है, तो क्या हो जाएगा वेन, बाकी आपका प्रेजेंट नेगेटिव में है तो डस का प्रूफ होगा वेन डस, सभी क्या है ए माइजर और लाइक टू स्पेंड हिज मनी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखा कि किस प्रकार से हम नेवर को वेन में चेंज करते हैं, ठीक है। आइए एक और रूल देखते हैं रूल नंबर 5, और आशा कर रहा हूँ कि आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे और इसको आप अपनी कॉपी पर नोट अवश्य करते जाना, ये मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो स्कूल लॉकडाउन के बाद में स्कूल खुलने पर आपका ऐसा जो है देखा जाएगा कि आपने काम पूरा किया नहीं पूरा किया, कह रहा है क्या लिखा है क्या कि एवर को वेन प्लस नॉट में चेंज करना, और आप एवर के साथ में आप ऑलवेज देख लेना
क्योंकि ऑलवेज का मतलब ही हमेशा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एवर और ऑलवेज दोनों को वेन और प्लस मॉड में चेंज करते हैं हमें। कैसे लिखा है क्या एग्जांपल के तौर पर लिखा है क्या, देखो कह रहा है क्या कि ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। लिखा है क्या ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, तो लिखा है वह हमेशा झूठ बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या हो जाएगा कि वह झूठ कब नहीं बोलता है, मतलब हमेशा बोलता है, तो ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। तो ऑलवेज को आप इसमें लाओगे वेन प्लस नॉट में, वह झूठ कब नहीं बोलता है अर्थात वह हमेशा झूठ बोलता है, तो क्या हो जाएगा वेन डज ही नॉट टेल ए लाई। फिर एक शब्द लिखा है आपको मैं दिखाता हूं, एक आप लोग लिखा है एग्जाम्पल नंबर टू कि ही हैज एवर बीन रिच। लिखा है ही हैज एवर बीन रिच, वह हमेशा धनी रहा है, तो वह धनी कब नहीं रहा है मतलब वह हमेशा धनी रहा है। समझ लीजिए बेटा ही हैज एवर बीन रिच, वह हमेशा धनी रहा है मतलब वह धनी कब नहीं रहा है मतलब वह हमेशा धनी रहा है, तो क्या हो जाएगा व्हेन हैज ही नॉट, व्हेन का प्रूफ प्रश्नार्थ का प्रूफ बीन रिच। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एवर और ऑलवेज को हमने कैसे व्हेन और प्लस नॉट में चेंज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद और हम लेते हैं अगला नियम सातवां, ऐसा कोई भी नियम आपका नहीं रहेगा कि जो आपको पढ़ाया न गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं लिखा है क्या कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिस टू वाई में चेंज करना। जिस प्रकार से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई को इट इज फुलिस या इट इज एक्सट्रीमली फुलिस में चेंज कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था में इट इज फुलिस या इट इज एक्सट्रीमली फुलिस अगर आ जाए तो अब करना क्या है वाई में चेंज करना है। ठीक है, लिखा है क्या इट इज एक्सट्रीमली फुलिस टू स्पेंड आवर टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस। क्या कह रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू स्पेंड आवर टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस, कि यह बहुत ही मूर्खता की बात है अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत करना, अर्थात अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत करना अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है, तो क्या हो जाएगा कि अपना समय मूर्खता में क्यों नष्ट करें, अपना समय मूर्खता में क्यों नष्ट करें अर्थात अपना समय बेकार के अर्थात व्यर्थ की बातों में बर्बाद करना नष्ट करना समय व्यतीत करना मूर्खता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिस को वाई मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा कि वाई टू स्पेंड
आवर टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए कि अगर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश या अगर इट इज फुलिश से मेल भी दिया है और हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम इट इज एक्सट्रीमली फुलिश या इट इज फुलिश को वाई में चेंज करेंगे। सेंटेंस दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू स्पेंड आवर टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस, अर्थात व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करना व्यतीत करना अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत करना अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है, अर्थात अपना समय मूर्खतापूर्ण बातों में या व्यर्थ की बातों में व्यतीत करना मूर्खतापूर्ण है तो क्यों करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, व्हाई टू स्पेंड अवर टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस, अर्थात अपना समय व्यर्थ की बातों में क्यों व्यतीत करें, मूर्खतापूर्ण है। तो इस प्रकार देखा आपने कि इस एक्सटीरियर फ्रेज या इस फ्रेज को हम वाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर कह रहा है आपका, देखते हैं अगला नियम, दिखाएं क्या इट, ये आपका रूल, आपका रूल है आठवां, कह रहा है क्या कि इट डज नॉट, आप वर्ड को जब आप इंट्रोगेटिव से आप असेटिव मिलाते थे तो वर्ड को लाते थे इट डज नॉट मैटर मच मिलाते थे, आपका करना आपको है कि इट डज नॉट मैटर मच को वापस फिर वर्ड मिलाना है। तो लिखा है इट डज नॉट मैटर मच, अगर इट डज नॉट मैटर भी हो तो भी कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर मच हो तो भी कोई बात नहीं, दोनों आ सकते हैं। तो इट डज नॉट मैटर मच को व्हाट मे चेंज करना, कह रहा है क्या कि इट डज नॉट मैटर मच को वार्ड में चेंज करना, अगर सेंटेंस दिया है इट डज नॉट मैटर मच तो उसको हम वार्ड में चेंज करेंगे। लिखा है क्या कि इट डज नॉट मैटर मच इफ We are not rich. It does not matter much if we are not rich. अर्थात it does not matter much का मतलब हमने बताया था आपको कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा एग्जाम्पल में कि it does not matter much, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है If we are not rich, अगर हम धनी नहीं है तो इट डज नॉट मैटर मच को आप बात के लिए क्या वॉट इफ वी आर नॉट रिच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं इन सारे नियमों के माध्यम से। आज ये आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूले थे, जो रूल्स थे, ये आपके समाप्त होते हैं और इसके आधार पर जो आपके आपका जो होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा और आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हो, बताए गए नियमानुसार आप कार्य को कर रहे हो और बाकी इसके बाद में आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज आपको अगले वाले वीडियो में सिखाया जाएगा।